वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, और यही चीज़ें अलग अलग चैप्टर में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालो और हेडिंग लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये क्या चीज होती है, देखो होता क्या है, कई बार आपको एक वेक्टर दे देता है। ओके, सपोज दिस इज द वेक्टर आर। अब इस वेक्टर को हमें इस तरह से स्प्लिट करना होता है, इसके टुकड़े करने होते हैं, ताकि इसकी इसका इफेक्ट चेंज ना हो और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमें उसका फ़ायदा हो जाए। मान लो जैसे कि अब इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला वाई एक्सिस पे है ना, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे आर वाई, और ये वाला एक्स एक्सिस पे है, तो इसको बोलेंगे आर एक्स। अब इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट तो कर दिए, आर एक्स और आर वाई, लेकिन ये अकेले का इफेक्ट और ये दोनों का मिला के इफेक्ट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उसके कुछ मीनिंग होंगे, अदरवाइज उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। ठीक है ना, तो ये ऐसे एक वेक्टर के दो वेक्टर में टुकड़े करने के प्रोसेस को, स्प्लिट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। क्या बोला जाता है, देखो लिखो, रेक्टेंगुलर या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर को अगर आपने स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद उसके जो दो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, तो ऐसे दो कंपोनेंट को क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, व्हेन द वेक्टर इज स्प्लिटेड, मतलब टुकड़े करना। ये वेक्टर आपको दिया गया था, इसको आपने स्प्लिट करके दो टुकड़े बनाए। और एक चीज़ याद रखो, जब आप इसके स्प्लिटिंग कर रहे हो तो ये अकेले का इफेक्ट और ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट सेम होना चाहिए। हम रैंडमली उसको स्प्लिट कर सकते हैं क्या, नहीं। व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड, अगर आपने किसी वेक्टर को स्प्लिट किया इनटू कंपोनेंट, अगर आपने किसी वेक्टर को स्प्लिट करके उसके कंपोनेंट बनाए, विच आर एट राइट एंगल, जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, then such components are called as रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऐसे को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। समझ में आया, तो किसी वेक्टर के अगर आपने स्प्लिटिंग की, उसके कंपोनेंट किए और वो अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तो उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे, फिर उसके बाद एक वेक्टर के तीन कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले दो कंपोनेंट की प्रोसीजर को हम समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ओ ए, समझना, हमारे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ओ ए। ठीक है, दिस इज द वेक्टर दैट वी हैव। अब इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक हमारा वर्टिकल और दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल। अब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए से। ठीक है, अब मैंने क्या किया,
अब ये मैं ले लेता हूँ y एक्सिस और ये मैं ले लेता हूँ x एक्सिस. कौन सा एक्सिस? x एक्सिस. मान लो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ y एक्सिस पे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ x एक्सिस पे. ठीक है, तो इसे मैं बोल देता हूँ B और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ C. ठीक है, एंड दिस इज माई एंगल दैट इज अल्फा. क्या आएगा? अल्फा. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको वेक्टर ओ बी बोलूँगा, वेक्टर ओ बी और ये वेक्टर ओ सी. समझ रहे हो? वेक्टर ओ सी, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ओ सी. तो ये और ये वेक्टर दोनों सेम होंगे. ये अगर वेक्टर ओ सी है तो ये भी क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों का डायरेक्शन भी कैसे है? सेम है. कैसे है? सेम है. ठीक है, तो बाय ट्रायंगल लॉ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी. समझ रहे हो ना? वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, प्लस वेक्टर बी ए. बट एक चीज समझो, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर बी ए. अब बी ए को ए भी नहीं लिख सकते हैं, बी ए ही लिखना पड़ेगा. वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर बी ए बिकॉज बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. तो फाइनली विल गेट एज वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी. समझ रहे हो? तो ये जो हमारा वेक्टर था वेक्टर ओ ए, उसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी. और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर. इसीलिए इन दो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट या फिर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट. क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट या फिर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट. अब इसको मैं वेक्टर ए भी बोल सकता हूँ, वही तो है ना, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी. तो जो एक वेक्टर था हमारे पास, कौन सा? वेक्टर ओ ए, उसके हमने दो कॉम्पोनेंट कर दिए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. अब देखो ये मेरा एंगल क्या है? अल्फा है. अब मैं क्या बोलता हूँ, इस ए का जो वाई एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है उसका नाम रख देता हूँ मैं ए वाई, वेक्टर ए वाई. चलो वेक्टर ए वाई. और ये जो ए का कॉम्पोनेंट है एक्स एक्सिस पे उसका नाम रख देता हूँ मैं वेक्टर ए एक्स. क्या रख देता हूँ? वेक्टर ए एक्स. तो कैन आई राइट लाइक दिस, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई? बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज इस वेक्टर को मैंने ए एक्स बोला, इस वेक्टर को मैंने ए वाई बोला, इसको वेक्टर ए बोला. तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई. अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग करूंगा तो याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स. क्या है? ए एक्स. और कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप वेक्टर आए, कैप वेक्टर आए प्लस. अब ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए वाई. क्या है? ए वाई. अब इस ये डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप वेक्टर जे. सो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप वेक्टर आई प्लस ए वाई कैप वेक्टर जे. ए एक्स कैप वेक्टर आई प्लस ए वाई कैप वेक्टर जे. अब आराम से समझना बेटा, ये अगर ए वाई है तो ये भी ए वाई हो जाएगा. सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्शन का डायरेक्शन बदलो. वैसे तो इसका डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा. अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में साइन अल्फा की वैल्यू ले लो. साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. तो फ्रंट साइड क्या है? ए वाई. हाइपोटेनियस क्या है? ए. हमेशा याद रखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर स्केलर. कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते वक्त वेक्टर सिंबल मत यूज करना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर स्केलर. ठीक है, तो अब ये ए को इधर शिफ्ट कर लो तो ए वाई क्या हो जाएगा? ए साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर वन. अब जैसे साइन अल्फा लिया वैसे ही कॉस अल्फा ले लेना. कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट साइड क्या लोगे? ए एक्स. वेक्टर मत यूज करना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर स्केलर. ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, इस ए को इधर शिफ्ट कर लो तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर टू. इक्वेशन नंबर टू. सो कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ए इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई? ऑफकोर्स वी कैन फाइंड. हाउ? स्क्वायर द इक्वेशन वन एंड एड विथ स्क्वायर द इक्वेशन टू. ठीक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये ए वाई स्क्वायर और प्लस करना है ए एक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू आर एच एस. राइट हैंड साइड देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. समझ में आ रहा है?
तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो सबको पता है इसका आंसर क्या होता है, वन। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो ए विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो जो रिजल्टेंट है हमारे पास, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड दोनों कॉम्पोनेंट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे पता करोगे, डायरेक्शन के लिए हम हमेशा टैन वैल्यू लेते हैं। तो टैन ऑफ अल्फा, टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो फ्रंट साइड क्या है, ए वाई, एडजेसेंट साइड क्या है, ए एक्स, क्या है, ए एक्स, तो ए वाई बाय ए एक्स। तो अल्फा विल बी टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स, टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, हो गई क्लियर। चलो पॉज करके लिख लो बढ़िया से इसको। तो हमेशा से याद रखना, हमेशा से याद रखना। अब ये जो वेक्टर आया बेटा, देखो हाँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स। अब ए एक्स के जगह आप क्या लिख सकते हो, किधर गया, ए एक्स के जगह हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा क्या वेक्टर आए, प्लस ए वाई के जगह क्या लिख सकते हो, ए साइन अल्फा कैप वेक्टर जे। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर ए है इसके दो कॉम्पोनेंट किए हमने, ए एक्स और ए वाई। तो ट्रायंगल लॉ से हमने प्रूव किया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये इसका डायरेक्शन आएगा और ये इसके कॉम्पोनेंट होंगे। तो किसी भी वेक्टर के हमेशा याद रखना दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो जो एडजेसेंट वाला है वो कॉस होता है और वो जो रिमेनिंग है वो साइन होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बनाए, कितने, दो। तो वेक्टर ए के दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से आए, ए एक्स और ए वाई, क्या है, ए एक्स और ए वाई, हो गया। चलो ठीक है, आई होप आपने ये पॉज करके अच्छे से लिख लिया है और आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ रही है। तो अभी जो हमने पढ़ा इसके लिए, इसका जो पोर्शन है जो नीट के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, उतना मैं आपको समझा दूं कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए। ठीक है, तो इसके हम दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं, पहले वाला इधर आएगा, दूसरे वाला इधर आएगा, और दोनों अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो इसको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बोलते हैं। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो इसका ये जो कॉम्पोनेंट है ए एक्स, ये आएगा ए कॉस अल्फा, और ए वाई क्या आएगा, ए साइन अल्फा। अब ए ए एक्स ए वाई का रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दूसरी चीज़, जो एंगल अल्फा होता है दैट विल बी टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स। और तीसरी चीज़, वेक्टर ए को हम वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर ए को हम ए एक्स कैप वेक्टर आई ए वाई कैप वेक्टर जे लिख सकते हैं, या फिर हम वेक्टर ए को ए एक्स की जगह वैल्यू रखो, ए एक्स क्या है, ए कॉस अल्फा कैप वेक्टर आई प्लस ए कॉस, सॉरी, ए साइन अल्फा कैप वेक्टर जे, बिकॉज ए वाई की वैल्यू इतनी है, ए एक्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू आपको पता गई। तो अभी तक हमने क्या किया, एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट किए, दो, जो कि एक दूसरे से क्या थे, परपेंडिकुलर थे। अब क्या करेंगे बेटा, दो के जगह तीन कॉम्पोनेंट करेंगे, दो के जगह तीन कॉम्पोनेंट करेंगे। ठीक है, अब दो के जगह तीन कॉम्पोनेंट करने पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, अटेंशन देना और सब चीज़ें अच्छे से समझना। ओके, तो ये जो था ये टू डायमेंशन में हमने कॉम्पोनेंट किया था, अब क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मतलब जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, मतलब कितने एक्सिस होंगे, तीन एक्सिस होंगे, थ्री डायमेंशंस, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, कितने डायमेंशन, तीन डायमेंशन में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो थ्री डायमेंशन के लिए आपको कितने एक्सिस कंसिडर करने पड़ेंगे, तीन। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, मैं क्या करता हूँ, देख लो, यहाँ पर मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से समझना बेटा। मान लो
ये ऐसे क्यूब ड्रॉ किया मैंने, समझो पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सिर्फ ध्यान देना और अच्छे से सारी चीज़ें नोट करते जाना, या फिर पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी में भी नोट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने क्यूब, ठीक है, क्यूब बना लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ओरिजिन लेता हूँ, और ये वाला जो एक्सिस है मेरा, इसको बोलूँगा मैं जेड एक्सिस, सॉरी इसको क्या बोलूँगा मैं वाई एक्सिस, किसी को कुछ भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन हम डायग्राम के हिसाब से जाएंगे। इसको बोलूँगा मैं एक्स एक्सिस, वो हो गया वाई, और ये है मेरा जेड एक्सिस। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जो मेरे एक्सिस नहीं है उसको मैं डॉटेड कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये डॉटेड कर दिया मैंने इसको, डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे ओरिजिनल वाले एक्सिस हैं, उसको मैं सॉलिड रखूँगा, बाकी सबको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है मेरे एक्स वाई और जेड, ये कितने एक्सिस है, तीन एक्सिस है, कितने एक्सिस है, तीन एक्सिस है। अब मेरा जो वेक्टर है बेटा, वेक्टर है, अब वेक्टर क्या है, अब देखो दो कंपोनेंट हुए थे, उसको हमने नाम दिया था ए एक्स ए वाई ए जेड। तो यहाँ पर मेरे तीन कंपोनेंट हो गया, तो मैं ये ओरिजिन को इससे जोड़ लूँगा, ठीक है, समझना, ये मेरा वेक्टर है, दिस इज माई ओ ए, दिस इज माई वेक्टर ओ ए, ओके, इसको मैं ए बोल देता हूँ ए, और ये मेरा ओ है, दिस इज माई वेक्टर ओ ए। अब इसको बोलता हूँ मैं वेक्टर ए, समझ में आया, पहले वाले की तरह। अब इसके तीन कंपोनेंट, अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा दैट विल बी वेक्टर ए एक्स, अलोंग वाई एक्सिस जो होगा दैट विल बी वेक्टर ए वाई, और अलोंग जेड एक्सिस जो होगा दैट विल बी वेक्टर ए जेड। तो अभी तक मैं कितने कंपोनेंट कर रहा था, दो, अब मैं कितने कर रहा हूँ, तीन कंपोनेंट कर रहा हूँ, कितने कंपोनेंट कर रहा हूँ, तीन, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये ओ ए हो गया, तो इसको बोलूँगा मैं ओ बी, इसको बोलूँगा मैं ओ सी, और इसको बोलूँगा ओ डी, ठीक है, ओ डी। तो अगर आपको याद है, अभी दो मिनट पहले मैंने आपको समझाया था कि एक वेक्टर था मेरे पास ये ऐसा, उसको बोला था मैंने, सॉरी ये मेरा ओ था, ये मेरा ए था, ओ ए, और इसको बोला था मैंने ओ बी, और ये था मेरा ओ सी। तो मैंने पहले क्या प्रूव किया था, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, दो कंपोनेंट करने पर ऐसे प्रूव किया था। इसका नाम रखा था मैंने वेक्टर ए, इसका नाम रखा था ए एक्स, इसका नाम रखा था ए वाई, कुछ याद आया। अब इसी को मैंने कैसे लिखा था, ओ ए को वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ठीक है। अब फाइनली मैंने इसको कैसे लिखा था, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप वेक्टर आई प्लस ए वाई कैप वेक्टर जे, ठीक है। अब मेरे पास तीन कंपोनेंट है ओ ए के, कौन कौन से, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझना समझना, अब देखो, अब देखो कमाल, ठीक है, ज्योमेट्री का कमाल देखो। अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा और चीज़ों को प्रूव करूँगा, देखो समझना। तो अब दो के बजाय तीन कंपोनेंट हो जाएंगे तो तीनों का एडिशन आएगा ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज़ ये डायगोनल लेता हूँ, समझो ये डायगोनल लेता हूँ, ये डायगोनल, ये वाला, ठीक है। तो होगा क्या, होगा क्या, इसका नाम रखूंगा मैं ई, इसका क्या नाम रखूंगा, ई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ओ ई, ओ ई और ये ई ए, समझो, हाँ, ओ ई, ई ए इज इक्वल टू ओ ए। तो इन ट्रायंगल, समझना बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए ई, ओ ए ई, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर ऑर्डर में कौन से है, ओ ई और ई ए है, और ये अपोजिट वाला है। तो वेक्टर ओ ए, समझना बेटा, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ई, वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ई ए, वेक्टर ई ए, इतना समझ में आया, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ई ए। अब देखो, हाँ, ये जो वेक्टर है ई ए और ओ सी, दोनों कैसे है, सेम है, ई ए और ओ सी इक्वल वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बट वेक्टर ई ए, समझना, वेक्टर ई ए, देखो वेक्टर ई ए इज इक्वल टू, इक्वल विथ वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ई, वेक्टर ओ ई प्लस प्लस वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी, ई ए के जगह क्या रखा, ओ सी रखा। अब अच्छे से समझो बेटा, ये जो मेरा डायगोनल है ओ ई,
अब ये मेरा 90 डिग्री होगा, दिस इज माई 90 डिग्री। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा तो वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ई, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ ई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल, समझना बेटा, इन ट्रायंगल ओ बी ई, ओ बी ई, इन ट्रायंगल ओ बी ई बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर ओ ई, देखो अभी यहाँ वेक्टर ओ ई, वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ई, वेक्टर बी ई, ओ बी प्लस बी ई। बट समझो हाँ, बी ई इज इक्वल टू ओ डी, समझ रहे हो, ये दोनों बी ई इज इक्वल टू ओ डी, बट वेक्टर बी ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं, तो बी ई की जगह ओ डी रख दो, क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ई, वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ डी, खत्म, प्रूफ हो गया अपना। तो ये जो वैल्यू है ओ ई की यहाँ पर रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ई की जगह ये रखो वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर बचा हुआ ओ सी, ये जो ओ ई था उसके जगह ओ बी प्लस ओ डी रख दिया हमने। तो ये जो आया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, चलो इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी। अब डायग्राम देखो, वेक्टर ओ ए मतलब क्या, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ओ ए, देखो वेक्टर ओ ए मतलब क्या, वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ बी मतलब वेक्टर ए एक्स, ओ सी मतलब वेक्टर ए वाई, और ओ डी मतलब वेक्टर ए जेड, बराबर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप वेक्टर आई, बिकॉज इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस ना, तो एक्स एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड अलग कर दिया तो डायरेक्शन क्या होगा, कैप वेक्टर आई प्लस ए वाई कैप वेक्टर जे प्लस ए जेड कैप वेक्टर के, ए जेड कैप वेक्टर के, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, ओके। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ओ बी ई, इन ट्रायंगल ओ बी ई, अब मैग्नीट्यूड पता करेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में, ओके। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब ए के दो कंपोनेंट थे ए एक्स और ए वाई, तो ए का वैल्यू आ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो अब हमने ए के कितने कंपोनेंट किए, तीन, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो अब ए का वैल्यू आना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो विथ प्रूफ ये मैं आपको बताऊंगा, वैसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती नीट फीट के लिए, लेकिन फिर भी चलो कॉन्फिडेंस के लिए बता देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ओ बी ई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये 90 के सामने का हाइपोटेनियस होता है, तो ओ ई स्क्वायर, समझ में आए, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब बी ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो बी ई और ओ डी कैसे है, सेम है, तो ओ डी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए जेड, तो ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये और ये सेम ना, ये ए जेड है तो ये भी क्या होगा, ए जेड होगा, और ये कितना है, ए एक्स, तो क्या आएगा, बी, बी कितना है भाई, बी किधर गया, बी कितना है, ए जेड, तो ए जेड स्क्वायर प्लस ओ बी, ये देखो ये ओ और ये बी, तो कितना ए एक्स, ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ओ ई स्क्वायर क्या लिखने आता है, किधर गया ओ ई स्क्वायर, ओ ई किधर गया भाई, ये ओ ई, ठीक है, तो अब ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए ई, इन ट्रायंगल ओ ए ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्या, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस, ये देखो ना, ये हाइपोटेनियस, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसे होगी, सेम होगी, तो ये ए वाई है ना, तो ये वाली साइड भी क्या आएगी, ए वाई आएगी, ठीक है, तो देखो ओ ए स्क्वायर, अभी देखो ओ ए स्क्वायर, ओ ए क्या है भाई, ओ ए, ओ ए है ए, ए है ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस,
ई ए स्क्वायर, देखो ई ए स्क्वायर क्या है, ए वाई स्क्वायर, आ गया प्रूफ। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑर्डर में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो ए हो गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोनेंट, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो पॉज करके अच्छे से लिख लो, ये समझ में आया। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर थ्री डायमेंशन में जो एंगल निकालते हैं वो तीन एंगल होते हैं, या फिर उसका जो डायरेक्शन होता है वो तीन एंगल निकालते हैं और उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जो चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो आप, वो चीज़ ये है कि भाई देखो देखो फिर से बार बार चीज़ें रिवाइज करते जाऊंगा मैं। देखो, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, दैट इज़ वेक्टर ए, और आपने इसके दो कॉम्पोनेंट किए अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज ए एक्स एंड ए वाई, तो आप इसके लिए कुछ चीज़ें प्रूफ कर सकते हो। वेक्टर ए जो कि हमने ऑलरेडी की है, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ठीक है, उसके बाद इसको ही कैसे लिखोगे आप, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप वेक्टर आई ए वाई कैप वेक्टर जे, परफेक्ट। इसका जो मैग्नीट्यूड है ए अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। और इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होता है ना अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ये आता है टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये जो हमारा वेक्टर था वेक्टर ए, इसके हमने दो नहीं तीन कॉम्पोनेंट किए, एक दो और ये तीन। इसको हमने बोला एक्स एक्सिस, इसको बोला वाई एक्सिस, इसको बोला जेड एक्सिस। अब इसका जो कॉम्पोनेंट बोला अलॉन्ग द एक्स एक्सिस उसको बोला हमने ए एक्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको बोला हमने ए वाई, अलॉन्ग जेड एक्सिस इसको बोला हमने ए जेड। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, यहाँ पर ये तीनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट, ये दोनों कॉम्पोनेंट कौन से हो गए, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, कौन से वेक्टर, सॉरी रेक्टेंगुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए, एनालॉजी से समझो, प्रूफ तो पिछले अभी बता दिया मैंने आपको, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, समझ रहे हो ना, वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। दो होंगे तो दोनों का एडिशन, तीन होंगे तो तीनों का एडिशन। तो यहाँ पर वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग करके लिखोगे तो ए एक्स कैप वेक्टर आए, ए वाई कैप वेक्टर जे, ए जेड कैप वेक्टर के, सॉरी ए जेड कैप वेक्टर के। ठीक है, तो x एक्सिस पे डायरेक्शन i, y एक्सिस पे j, z एक्सिस पे k। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा था हमने, a मैग्नीट्यूड a, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था ना, यहाँ पे क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका भी प्रूफ अभी अभी दिया मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से आराम से। अब बारी आती है डायरेक्शन की, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंगल था लेकिन यहाँ पर तीन तीन एंगल होते हैं, कौन से, देखो। तो ये जो वेक्टर है वेक्टर ए, इसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल किया है उसको बोलते हैं अल्फा, इसने जो वाई एक्सिस के साथ एंगल किया है इसको बोलते हैं बीटा, और ये वेक्टर ने जो जेड एक्सिस के साथ एंगल किया है, जेड एक्सिस के साथ एंगल किया है इसको बोलते हैं ग्यामा। इसको क्या बोलते हैं, ग्यामा, अल्फा बीटा और ग्यामा। तो थ्री डायमेंशन में एक वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितने एंगल करता है, तीन एंगल, कितने एंगल, तीन एंगल, अल्फा बीटा और ग्यामा। अब ये जो अल्फा बीटा और ग्यामा है इसके अगर आपने कॉस वैल्यू ले लिए, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस ग्यामा, ये तीन वैल्यू अगर आपने ले लिए तो इन तीनों वैल्यू को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन, समझना, डायरेक्शन कोसाइंस। वाई डायरेक्शन कोसाइन, बिकॉज आपने कॉस वैल्यू ली इसलिए कोसाइन, और अल्फा बीटा गामा ये क्या है, डायरेक्शन है, ये वेक्टर का 3D में डायरेक्शन है, तीन तीन डायरेक्शन है उसके, अल्फा बीटा और गामा, मतलब तीनों तरीके से आप डायरेक्शन बता रहे हो। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इतना समझ में आया, अब एक चीज समझो, देखो अब फ्रॉम फिगर आराम से समझो, फ्रॉम फिगर देखो, हाँ कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ का एंगल है, तो इसके टाइम पे क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड क्या है इसका, ए एक्स, हाइपोटेनस क्या है, ए, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए।
ऐसे ही कॉस बीटा क्या आएगा, कॉस बीटा देखो, कॉस बीटा एडजेसेंट साइड क्या है, ए वाई, ए वाई हाइपोटेनियस क्या है, ए हाइपोटेनियस क्या है, ए ए वाई डिवाइडेड बाय ए। ऐसे ही कॉस गामा क्या आएगा, कॉस गामा का आएगा, अब अल्फा के टाइम पे ए एक्स बाय ए आया, बीटा के टाइम पे ए वाई बाय ए आया, तो गामा के टाइम पे क्या आएगा, ए जेड बाय ए। समझ रहे हो, डायग्राम से आराम से समझ सकते हो आप, कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी वेक्टर के अगर आपने दो कंपोनेंट किए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, यक्स एक्सिस को वाला कंपोनेंट, वाई एक्सिस को वाला कंपोनेंट, और तीन किए तो यक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और झड़ कंपोनेंट। वेक्टर फॉर्म में ए एक्स आए ए वाई जे, ए एक्स आए ए वाई जे, ए झड़ के। मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए झड़ स्क्वायर, और डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स। और डायरेक्शन के लिए यहाँ पर तीन चीजें होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड कॉस अल्फा इज फ्रॉम फिगर ए एक्स बाय ए, कॉस बीटा इज ए वाई बाय ए, कॉस गामा इज ए जेड बाय ए, ए जेड बाय ए। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हम प्रूफ करेंगे, समझना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब समझो, अब समझो, अब क्या करेंगे बेटा, देखो अब हमने क्या किया, वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट किए, कितने कंपोनेंट किए, तीन, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, समझ रहा है, इतना दोनों साइड का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा इज ए एक्स बाय ए, देन कॉस बीटा की वैल्यू क्या होती है, ए वाई बाय ए, एंड कॉस गामा की वैल्यू क्या होती है, ए जेड बाय ए, समझ रहे हो, ए जेड बाय ए। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन वन को, इस इक्वेशन वन को क्या करेंगे बेटा, देखो ए एक्स के जगह क्या लिख सकते हो आप, ए कॉस अल्फा, सिंपल ए कॉस अल्फा, ए वाई के जगह क्या लिख सकते हो, ए कॉस बीटा, और ए जेड के जगह क्या लिख सकते हो, ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, ए कॉस गामा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो, ये वैल्यू यहाँ पर रखो, और ये वैल्यू यहाँ पर रखो, क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, सिंपल। अब ये तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, ये ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ए स्क्वायर कैंसल, वी गेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, समझ में आया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन मिला, एंड व्हाट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा, दैट इज एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर इन स्पेस विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब कॉस के जगह क्या लिख सकते हो, कॉस, अब अपने पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा, थ्री, क्या आ जाएगा, थ्री। माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस अगर कॉमन निकाल लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब ये पूरा ब्रैकेट इधर उठा के प्लस कर दो, ये प्लस वन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो द आंसर विल बी थ्री माइनस वन, ये थ्री, ये प्लस वन इधर आके माइनस वन, और ये पूरा ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा,
3 माइनस वन कितना 2, तो फाइनली वी विल गेट एज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, परफेक्ट. चलो अब इतने दो एक्सप्रेशन में के जो कुछ भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा. फिर इसी लेक्चर में हम 10 से 15 न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है. ठीक है, अब समझो. सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर ए लिया, इसके दो कॉम्पोनेंट किए एक्स और ए वाई. और दूसरी बार हमने क्या लिया, वेक्टर ए लिया, इसके तीन कॉम्पोनेंट किए एक्स ए वाई एंड ए जेड. ठीक है, अब ये जो वेक्टर था हमारा, इसका हमने रिलेशन निकाला तो ये आया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. रिजल्टेंट वेक्टर पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट. यहाँ पर क्या आया, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. लिखते जाओ बेटा, बार बार लिखो. ओके, अब यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन निकाला, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स. लेकिन यहाँ पर तीन डायरेक्शन आया, उसको बोला डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. कॉस अल्फा था ए एक्स बाय ए, कॉस बीटा था ए वाई बाय ए, कॉस गामा था ए जेड बाय ए. अब इन तीनों का रिलेशन किस तरह से आया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव किया हमने. और इसको ही सॉल्व किया तो ऐसे भी आया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. एंड वॉट इज अल्फा बीटा एंड गामा, दे आर द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलो अब इतनी चीज़ें समझने के बाद कुछ की पॉइंट देखते हैं, फिर बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, तो अब एक जो वेक्टर होता है, पहला पॉइंट लिखो, अ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड या रिजॉल्व बोल सकते हो. अ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड या रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेक्टर है 10i, तो इसको आप क्या कर सकते हो, i प्लस डैश 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 प्लस कितने कंपोनेंट, 10 टाइम्स. कितने कंपोनेंट बनते हैं इसके, 10 टाइम्स, 10 कंपोनेंट बनेंगे ना i प्लस. अब यही एक वेक्टर है 10i, तो इसको ऐसे बनाओ आप, i बाय 2 प्लस i बाय 2, तो ऐसे कितने कंपोनेंट बनेंगे, 20 कंपोनेंट्स. तो कितने भी बना सकते हो ना, i बाय 3 के बनाओ 30, i बाय 4 के बनाओ 40, तो कितने इनफाइनाइट कंपोनेंट आप बना सकते हो. ठीक है, दूसरी चीज नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन, मैक्स कंपोनेंट इन प्लेन एंड विच आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. कौन से कंपोनेंट, मैक्स कंपोनेंट इन प्लेन, और कौन से, रेक्टेंगुलर या फिर ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने बना सकते हो, 2. प्लेन मतलब क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस, मतलब ये हमारा वेक्टर ए है तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं हम, ए एक्स और दूसरे वाला ए वाई. अभी तक तो वही नाटक कर रहे थे ना यार, ठीक है ना, ए एक्स और ए वाई. अब यही अगर स्पेस में होगा, किसमें, स्पेस में, तो स्पेस में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हो, 3. कैसे, ये हमारा वेक्टर है वेक्टर ए, तो इसके 3 कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड. ठीक है ना, सो दिस विल बी ए एक्स, दिस विल बी ए वाई, दिस विल बी ए जेड. किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड आप आराम से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो. मतलब ये वेक्टर है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 0, कंपोनेंट नहीं बन सकता. कोई एक वेक्टर है ऐसा है मान लो, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, 0. कोई एक वेक्टर है ऐसा, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, 0. कोई ऐसा कंपोनेंट है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, 0. तो किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, 0.
ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो इतने फॉर्मूले समझने के बाद अब इस पे के बेस न्यूमेरिकल देखते हैं, हो गया बेटा। चलो तो हर बार बेटा अभी देखो, यहाँ से मैं 10 से 11 से 15 तक के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन माई स्टैमिना ट्राई करूंगा मैक्सिमम सॉल्व करने की। तो आपको करना क्या है, जब आपको लगे कि मुझे ये न्यूमेरिकल आता है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ये ज़रूरी होती है चीज़। यहाँ मूवी की तरह आप लेक्चर को नहीं देखना, ठीक है ना, आराम से देखना, समझना, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या बोलता है, नंबर वन देखो, हाँ, If vector P is 3i 4j 12k, vector P is 3i 4j plus 12 vector k, then find the magnitude and direction cosine of P. Magnitude of vector P and direction cosines of vector P. चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, हो गया। चलो ठीक है, डन। देखो तो अगर अब शुरुआत है, इसलिए डिटेल में बताऊंगा, हमारे पास वेक्टर A था कुछ इस तरह से, AX वेक्टर I, AY वेक्टर J, AZ वेक्टर K, बराबर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो A से रिप्रेजेंट किया था हमने, और ऐसे लिखा था AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, इसको प्रूफ भी किया है हमने। तो यहाँ पर वेक्टर P है, तो मॉड ऑफ वेक्टर P बराबर P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना बेटा, 12 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 169, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 13। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 13 आया, कितना आया, 13 आया। अब डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन से, कॉस अल्फा, उसके बाद कॉस बीटा, उसके बाद कॉस गामा। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा बेटा, अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन मेड बाय गिवन वेक्टर इन स्पेस विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अल्फा के टाइम ए एक्स बाय ए होता है, बीटा के टाइम ए वाई बाय ए होता है, गामा के टाइम ए जेड बाय ए होता है, ठीक है। तो ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स कितना है, 3 डिवाइडेड बाय ए, मतलब पी कितना है, 13, 3 डिवाइडेड बाय 13, पहला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा 4 डिवाइडेड बाय 13, और तीसरा ए जेड, ए जेड कितना है बेटा, 12 है ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। चलो परफेक्ट आया था आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर वन। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल नंबर टू। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय आई एंड जे वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, सवाल कुछ इस तरह से, फाइंड द एंगल मेड बाय कैप फैक्टर आई कैप फैक्टर जे बाय फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझना बेटा, समझना, देखो हमें एक वेक्टर दिया गया है, दिस इज माय वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो इसके दो कंपोनेंट कर दूंगा मैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो ये होगा मेरा एंगल अल्फ़ा और ये होगा मेरा एंगल बीटा। तो ये दोनों एंगल मुझसे पूछे हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसका जो ए है, अब मेरा ए कैसे होता है बेटा, ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप फैक्टर आई प्लस ए वाई कैप फैक्टर जे। तो अब इसको और इसको कंपेयर करके बताओ, ए एक्स कितना है मेरा 1, ए एक्स कितना है 1, और ए वाई कितना है मेरा 1, ए वाई कितना है मेरा 1, ठीक है। तो अब अगर मुझे एंगल पता करना है, एंगल पता करना है, तो दो तीन तरीक़ों से मैं पता कर सकता हूँ। पहले तो मेरा डायरेक्शन कोसाइन से, कॉस ऑफ अल्फ़ा और उसके बाद कॉस ऑफ बीटा। तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, ए एक्स बाय ए,
और कॉस बीटा क्या होता है, ए वाई बाय ए। तो सबसे पहले तो मुझे ए पता करना पड़ेगा, तो ए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स कितना है बेटा, वन, ए वाई कितना है, वन, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना आएगा, टू। तो ए कितना है, रूट टू। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ए एक्स बाय ए, तो ए एक्स कितना है मेरा, ए एक्स कितना है, वन, और ए कितना है, अंडर रूट टू। तो अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू। तो कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू कितना आता है, 45 डिग्री। तो अल्फा कितना आया, 45 डिग्री। ऐसे ही कॉस बीटा निकाल लो, ए वाई, ए वाई कितना है, वन, ए कितना है, रूट टू। सो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू, और कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू कितना होता है, 45 डिग्री। या फिर आप नॉर्मल अपनी मेथड यूज़ करो, देखो यहाँ पर टैन अल्फा क्या होता है, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, समझ में आया, ए वाई बाय ए एक्स। तो ए वाई कितना है, वन, ए एक्स कितना है, वन, तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वन। तो टैन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी कितना आएगा, 45। कोई भी मेथड यूज़ करो आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर थ्री, थर्ड न्यूमेरिकल, क्या बोल रहा है बेटा, देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय, लिखो क्वेश्चन नंबर थ्री, पॉज करके ट्राई करना, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय कैप फैक्टर आई प्लस कैप फैक्टर जे प्लस कैप फैक्टर के फ्रॉम यक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस। चलो ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को साइन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर ए है, दैट इज आई प्लस जे प्लस के। तो कोई भी बता सकता है ए एक्स कितना है, वन, ए वाई कितना है, वन, ए जेड कितना है, वन। तो ए कैसे पता करोगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री, समझ में आ रहा है, अंडर रूट ऑफ थ्री। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, ए एक्स बाय ए, कॉस बीटा क्या होता है, ए वाई बाय ए, और कॉस गामा क्या होता है, ए जेड बाय ए। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ए एक्स कितना है बेटा, ए एक्स है वन, ए वाई कितना है, रूट थ्री, वन रूट थ्री, वन रूट थ्री, ठीक है। तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स। बीटा क्या आएगा, सेम सेम कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री। गामा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री, ठीक है। चलो लिख लो, पॉज करके लिख लो आराम से, हो गया। डन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर दे जाओ बेटा, आएगा 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 आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो तो ये थर्ड न्यूमेरिकल था, आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन। क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ फोर्स ऑफ कितना न्यूटन है भाई, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल, कोई बात नहीं, वर्टिकल फाइंड आउट इट्स कॉम्पोनेंट। ओके, और पांचवा भी इसके साथ ही ले लेंगे, इसी टाइप का है, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इस बार हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स कॉम्पोनेंट
अब एक चीज़ याद रखना बेटा, इसमें सारे पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ और इसका शॉर्टकट भी आपको सिखा दूंगा। तो हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर के हमें दो कंपोनेंट करने होते हैं, एक होता है कॉस थीटा, दूसरा होता है साइन थीटा। तो कैसे डिसाइड करोगे, मान लो आपके पास ये वेक्टर है वेक्टर आर। अब इसके आपको दो कंपोनेंट करना है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये एंगल थीटा दिया जाए तो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है, आर कॉस थीटा। आर के कंपोनेंट कर रहे हो ना, तो आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा है तो ये क्या है, आर साइन थीटा। मान लो ये आर है और ये एंगल थीटा है, कौन सा, ये एंगल थीटा है, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, आर कॉस थीटा। आर के कंपोनेंट है, ये आर कॉस थीटा और ये क्या है, आर साइन थीटा। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए मान लो वेक्टर कुछ इस तरह से है, दिस इज आवर वेक्टर आर। तो इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे, ये वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड ये है, तो एडजेसेंट मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा के फॉर्मूला में एडजेसेंट होता है ना, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आर कॉस थीटा और बचा हुआ आर साइन थीटा। अब समझो ये हमारा वेक्टर आर है, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस बार ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो थीटा के एडजेसेंट साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। मान लो अब थर्ड क्वाड्रेंट है, सपोज ऐसा है, दिस इज द वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे, ये और ये। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये वेक्टर आर है, तो इसका थीटा का एडजेसेंट साइड ये है ना, तो ये आर कॉस थीटा होगा और ये आर साइन थीटा होगा। ठीक है, सेम सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, ये आर है, इसके ये दो कंपोनेंट हो गए। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये अगर आपका आर है, तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये मान लो आर है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस तरह से। तो अगर ये थीटा है बेटा, तो थीटा की ये एडजेसेंट साइड है ना, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। फाइनली अगर ये आपका आर है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, अब ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा की एडजेसेंट साइड हो जाएगी आर कॉस थीटा एंड ये हो जाएगी आर साइन थीटा। अब इससे हट के कुछ आ भी नहीं सकता बेटा, ठीक है। तो सारे पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिए, एडजेसेंट वाला कॉस होता है और रिमेनिंग वाला साइन होता है। अब चुटकियों में आप ये दोनों प्रॉब्लम को उड़ा सकते हो आराम से, आराम से, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, झंडू प्रॉब्लम है, देखो। तो 4 न्यूटन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, तो एक्स वाई एक्सिस, तो ये 4 न्यूटन फोर्स है, कौन सा, 4 न्यूटन फोर्स है, कितना एंगल कर रहा है, 60 डिग्री विथ वर्टिकल, 60 डिग्री विथ वर्टिकल। तो 4 के कॉम्पोनेंट कर रहे हैं ना, तो ये कॉम्पोनेंट क्या आएगा, 4 कॉस 60, बिकॉज ये इसका एडजेसेंट है ना, और ये क्या आएगा, 4 साइन 60। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 इंटू कॉस 60 कितना होता है, वन बाई टू होता ना, कॉस 60 इज 1/2, आई एम सॉरी, कॉस 60 इज 1/2, और साइन 60 क्या होता है, 4 इंटू रूट 3/2, ये अच्छे से याद करो, 2 ये 2 आ गया, 2 ये 2√3 आ गया। ठीक है, तो एक कंपोनेंट 2 और दूसरा कंपोनेंट 2√3, तो ये ए वाई हो गया 2 और ए एक्स हो गया 2√3, ए वाई 2 ए एक्स हो गया 2√3। अब यहाँ पे क्या है, 40 न्यूटन का है, 40 न्यूटन वाला फोर्स है, 60 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या होती है, 40 कॉस 60, एडजेसेंट साइड कॉस, और ये क्या होगा, 40 साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है, 40 का 40 √3/2, बराबर ना, साइन 60 इज √3/2, 40 का 40 कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 × 2 × 2 × 2 = 0, 2 × 2 × 2 × 2 = 0, मतलब एक कंपोनेंट होगा 20√3, ये होगा ए वाई, ए वाई इज 20√3, ए वाई इज 20√3 एंड ए एक्स इज 20। ठीक है, चलो हो गया, ओके डन, चलो ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. पांच हो गए ना, न्यूमेरिकल नंबर सिक्स, छठा न्यूमेरिकल. ओके देखो, लिख देता हूं मैं आपके लिए, ट्राई करो. डिटरमाइन द दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड, विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू 2i प्लस 7j माइनस 10k एंड वेक्टर q इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3 वेक्टर k गिव्स अ यूनिट वेक्टर ऑन यक्स एक्सिस. अब ऐसे लगेगा कि अब ये क्या रॉकेट साइंस सवाल पूछ लिया, कुछ भी नहीं, एकदम हलवा, एकदम झंडू सवाल है ये, ठीक है ना. अब देखो समझो, तो क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू टू गिव अ यूनिट वेक्टर ऑन यक्स एक्सिस. तो हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, यक्स वाई और जेड. यक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है कैप वेक्टर आई, वाई का होता है कैप वेक्टर जे, जेड का होता है कैप वेक्टर के. अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, यक्स एक्सिस मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर बोला जाए कि निगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस आई हो जाएगा वो, ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, पी और क्यू में, पी और क्यू के रिजल्टेंट में, पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू, पी और क्यू के रिजल्टेंट में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करना है. सपोज दैट वेक्टर इज यक्स, पी और क्यू के रिजल्टेंट में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करना है जिसका आंसर आ जाएगा कैप वेक्टर आई, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. p और q का रिजल्टेंट क्या आएगा, p प्लस क्यू. इसमें कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है, x, तो आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस. तो आपको पता करना है वेक्टर x इज इक्वल टू वॉट. खत्म. कैसे खत्म, देखो p की जगह क्या रखोगे आप, 2 वेक्टर i प्लस 7 वेक्टर j माइनस 10 वेक्टर k प्लस q की जगह क्या रखोगे, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस वेक्टर x का वेक्टर x, और आंसर कितना आना चाहिए, कैप वेक्टर i. यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस बोल रहा है ना, तो x एक्सिस कितना आता है i, अगर y बोलता तो j, z बोलता तो k. अब i का i के साथ एडिशन करो, 2i प्लस i 3i प्लस 7j प्लस 2j 9j, 3k माइनस 10k, बेटा कितना आएगा, 3k माइनस 10k माइनस 7k प्लस वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर i. अब ये चीजें इधर शिफ्ट करो, सिंपल मैथमेटिक्स, वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर i माइनस 9 वेक्टर j प्लस 7 वेक्टर k. तो i माइनस 3 i कितना होता है, माइनस 2 वेक्टर i. सिंपल अपना सब्सट्रैक्शन, i माइनस 3 i कितना होता है, माइनस 2 वेक्टर i माइनस 9 वेक्टर j प्लस 7 वेक्टर k. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, माइनस 2i माइनस 9j प्लस 7 वेक्टर k. ठीक है, चल लिख लो, खत्म. ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर सिक्स. अब सेवेंथ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो न्यूमेरिकल नंबर सेवन क्या बोल रहा है, एड वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एड वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट, विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट. सबका मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल, और कितना है, 50 यूनिट. एंड आर एट एन एंगल ऑफ कितना, 45, 135 और 315 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. कहाँ से, फ्रॉम यक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम यक्स एक्सिस, ठीक है. इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो ऐसे टाइम पे बेटा हमेशा क्या करना, दो एक्सिस ड्रॉ कर लेना आप, ये यक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं, ए बी और सी, दोनों तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 50. तो ए से पहला वेक्टर 45 के एंगल पे है, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री. तो ये हो गया वेक्टर 50, 50 न्यूटन का है ना वेक्टर 50.
135 डिग्री, तो ये 90, तो ये देखो ये 90 से आगे कितना जाएगा, 100 और 45, तो ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों का एडिशन मिला के कितना हो गया 135 डिग्री, तो दूसरा वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ये वेक्टर 50, समझ रहे हो, वेक्टर 50, ये दूसरा वेक्टर। हाँ, अब तीसरा वेक्टर 315 डिग्री, ये देखो, हाँ ये 180 270, 90 180 270, 270 में 45 मिलाओ, यहाँ तक का जो एंगल था हमारा, यहाँ तक का एंगल ये है 270 डिग्री और ये कितना 45 डिग्री, तो ये वेक्टर आया, समझ रहे हो, ये वेक्टर आया, तो ये भी कितना है 50, वेक्टर 50। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो वेक्टर है, वेक्टर 50 और ये वेक्टर 50, ये अपोजिट वेक्टर है, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, बिकॉज ये देखो ना, ये जो है ये इधर है और ये इधर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये सिर्फ अकेला बचेगा, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट इज ऑफ 50, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 50, और इसका जो डायरेक्शन होगा होगा 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो ये अकेला ही बचेगा ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये मैग्नीट्यूड 50 और इसका एंगल कितना 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सीधा सीधा था, मान लो अगर ये कुछ अलग एंगल का होता तो सिंपली आपको क्या करना है, ये एंगल पता करना है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल पता करने के लिए इसमें से देखो, इसमें से इतना माइनस करो, तो ये 135 है और ये 315 है, तो 315 में से अगर 135 गया, 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो 180 डिग्री, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर में एंगल कितना है 180 डिग्री, अगर एंगल 180 डिग्री है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो कौन से वेक्टर होते हैं, निगेटिव वेक्टर, क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक वेक्टर, और अगर एक ही वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट उसी के ऊपर होता है, एक वेक्टर का रिजल्टेंट उसी के ऊपर होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर जो कुछ भी है, 7 या 8 5 6 7 8 8 9 जो कुछ भी चल रहा है हमारा, 8 एक दो 3 4 5 6 7 आठवां प्रॉब्लम चल रहा है, द सम ऑफ 3 वेक्टर शोन इन फिगर इज 0, द सम ऑफ 3 वेक्टर शोन इन फिगर इज 0, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB एंड वेक्टर OC, कोई बात नहीं पता करेंगे, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC, तो डायग्राम जो दी गई है कुछ इस तरह से है, आपको दिया गया है ये वेक्टर OB, दूसरा दिया गया है वेक्टर OC, उसके बाद ये एंगल है 45 डिग्री और तीसरा वेक्टर है नीचे की तरफ वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, कोई बात नहीं बेटा, इसका रिजल्टेंट कितना है 0, रिजल्टेंट 0 मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और इधर वाले को इधर वाला बैलेंस करना चाहिए, तो OB और OC, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे देता हूँ मैं A, क्या नाम दे देता हूँ A, तो ये अगर मेरा 45 है तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा मेरा A cos 45, समझ रहा है, A cos 45, A के कॉम्पोनेंट करो A cos 45 और ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा A sin 45, क्या जाएगा A sin 45, A cos 45 A sin 45, ये इधर भी है इधर A है, तो मेरे पास अब 4 फोर्स है बेटा, एक ऊपर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक नीचे, तो ऊपर की तरफ है मेरे पास, या फिर इसको मैं बोलता हूँ A मतलब क्या, OC sin 45, ये है OC cos 45, ये कितना है मेरा 10 न्यूटन, 10 है ना, और ये कितना है मेरा OB, इधर कितना है मेरा OB, फोर्स का नाम क्या है OB, ठीक है ना, तो अब बैलेंस है तो क्या आएगा OC sin 45 इज इक्वल टू 10, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो OC का OC sin 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू 10, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो OC कितना आएगा 10√2, परफेक्ट 10√2, अब मेरा OB कितना है OC cos 45,
वो भी कितना है, ओ सी कॉस 45। तो ओ सी, ओ सी कितना है, टेन रूट टू, टेन रूट टू इन टू कॉस 45 कितना होता है, वन बाय रूट टू। तो रूट टू कैंसिल, तो कितना आएगा, टेन न्यूटन, ये न्यूटन है ना फोर्स है, टेन रूट टू और टेन न्यूटन। ओ बी है टेन न्यूटन, ओ सी है टेन रूट टू, आ गया। चलो ठीक है, परफेक्ट। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 9। ठीक है, देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। फॉर शोन सिचुएशन, देखो हाँ, फॉर शोन सिचुएशन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन, इन न्यूटन दैट कैन बी एडेड इन एनी डायरेक्शन सो दैट रिजल्टेंट लाइज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अब सिचुएशन दी गई है, देखो चार फोर्स है, ऐसे फोर्स दिए हैं, समझेंगे। इधर फोर्स दिया गया है 3 न्यूटन, ठीक है। इधर फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, ठीक है। और ये कितने एंगल पे, 37 डिग्री वाले एंगल पे। और इधर फोर्स दिया गया है 4 न्यूटन। ओके, इतनी चीज़ें दी गई हैं हमें, हाँ, बाकी कोई फोर्स नहीं दिया गया। ओके, तो रिजल्टेंट किधर लाना है हमें, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा एंगल क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डब्ल्यू ई एन एस, बराबर है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। आने के लिए मिनिमम कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वाले फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लूँगा। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, मान लो मैं इसको एक पार्टिकल मान लेता हूँ, ये मेरा पार्टिकल है, इसको इधर कौन खींच रहा है, 4 न्यूटन से खींच रहा है। ओके, अब इधर कौन खींच रहा है, इसको 3 न्यूटन से खींच रहा है। ओके, अब ये 5 के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो 5 है ये 37 डिग्री है, तो एडजेसेंट कॉम्पोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, ऊपर वाला हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। अब मुझे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लाने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला फोर्स कैंसिल कर दो। अब ये वाला फोर्स कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, वो है एफ मिनिमम। तो इसको अगर मुझे कैंसिल करना है, इसके जितना ही फोर्स मुझे इधर लगाना पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो अब एफ मिनिमम कितना होगा, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 3 + 5 sin 37। अब एक टास्क आता है कि सर साइन 37 कैसे पता करें, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है और एक बार बता देता हूँ। हमारे पास 3, 4, 5 का ट्रायंगल होता है, 3 के सामने का एंगल होता है 37 और 4 के सामने का एंगल होता है 53 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो साइन 37 पता करना है ना, तो साइन ऑफ 37 फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये आएगा 3 / 5, ठीक है। तो ये 3 + 5 × 3 / 5 कैंसिल, 3 + 3 = 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन फोर्स अगर हम साउथ डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ऊपर का और नीचे का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर नीचे का फोर्स अगर कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट को किधर जाएगा, टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, हो गया, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 9। अब और 3 बच जाते हैं न्यूमेरिकल, वो तीनों भी सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, अल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ द वेक्टर। देखो
क्या बोल रहा है, फाइंड फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है वेक्टर, 5i 2j 6k, 5i 2j 6 वेक्टर के अल्सो शो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, 5i 2 वेक्टर j 6 वेक्टर k। तो यहाँ से ax कितना होगा 5, ay कितना होगा 2, az कितना होगा 6। तो डायरेक्शन कोसाइन, कॉस ऑफ अल्फा क्या आएगा ax बाय a, कॉस ऑफ बीटा क्या आएगा ay बाय a, कॉस गामा क्या आएगा, कॉस ऑफ गामा आएगा az बाय a। तो सब में हमें a की ज़रूरत पड़ रही है, तो a क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 40, 50, 60, 65, अंडर रूट ऑफ 65, ये आ गया हमारा a। ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ax बाय a, ax कितना है, किधर गया ax, ax है 5 बाय रूट 65, ay बाय a क्या होगा 2 बाय रूट 65, az बाय a 6 बाय रूट 65। तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 65, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 65 का स्क्वायर 65, प्लस 6 बाय रूट 65, 6 का स्क्वायर 36, रूट 65 का स्क्वायर 65। तो बेस सेम है 65, ऊपर 25 प्लस 4 प्लस 36, 40, 50, 60, 65, तो 65 डिवाइडेड बाय 65, ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1। तो हमने शो भी कर दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज अल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, हो गया, हो गया, चलो ठीक है, दो न्यूमेरिकल बच जाते हैं, दोनों को भी सॉल्व कर देंगे। अब आता है न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो इंटरेस्टिंग है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 11 नंबर, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i-6j, 6i-6j प्लस 5 वेक्टर के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस 2j-वेक्टर k, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले क्या करेंगे हम, ए और बी का रिजल्टेंट पता करेंगे, क्या होता है रिजल्टेंट, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए कितना है 6i-6j प्लस 5 वेक्टर के, प्लस वेक्टर बी वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर j-वेक्टर k, ऐड करो 6 और 1 7 7i-6 प्लस 2j-4j, 5 में से एक गया प्लस 4 वेक्टर के, सो दिस इज माय वेक्टर आर, क्या आया मेरा वेक्टर आर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यूनिट वेक्टर पता करता हूँ, कैप वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर, समझ रहे हो ये फॉर्मूला है ना, वेक्टर आर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर क्या है मेरा 7 वेक्टर i-4 वेक्टर j प्लस 4 वेक्टर k। अब मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हो, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर कितना 49 प्लस
माइनस फोर का स्क्वायर कितना 16 प्लस फोर का स्क्वायर कितना 16, तो कितना आएगा ये 7 क्या फैक्टर आए माइनस फोर क्या फैक्टर जे प्लस फोर क्या फैक्टर के, तो 9 और 10 15, 15 और 6 21 को 1 2 3 4, 4 और 4 8, अंडर रूट 81 क्या होता है 9 होता है, तो इसको सेपरेट डिवाइड करो 7 बाय 9 क्या फैक्टर आए माइनस 4 बाय 9 क्या फैक्टर जे प्लस 4 बाय 9 क्या फैक्टर के, 7 बाय 9 क्या फैक्टर आए माइनस 4 बाय 9 क्या फैक्टर जे प्लस 4 बाय 9 क्या फैक्टर के, ठीक है चलो परफेक्ट। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 11। अभी लास्ट, उसके बाद लेक्चर को करेंगे ख़त्म। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेक्चर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक जो टिके हैं बच्चे उनकी बहुत इच्छा है डॉक्टर बनने की, बन जाओगे मेरी दुआ है आपको, डॉक्टर ज़रूर बन जाओगे आप, ठीक है। द यक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर, यक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 meter and 6 meter, perfect. The x and y component of vector a plus vector b are 10 meter and 9 मीटर, परफेक्ट रिस्पेक्टिवली। ओके मेरे भाई, रिस्पेक्टिवली फॉर वेक्टर बी कैलकुलेट 11 बज गए यार, कैलकुलेट वो भी रात के, कैलकुलेट नंबर ए यक्स एंड वाई कंपोनेंट, यक्स एंड वाई कंपोनेंट, नंबर बी लेंथ ऑफ बी एंड नंबर सी एंगल इट मेक विथ यक्स एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे वेक्टर ए के दो कंपोनेंट लेंगे ए यक्स ए वाई, वेक्टर बी के दो कंपोनेंट लेंगे बी एक्स बी वाई, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा बेटा, देखो हाँ समझना, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज ए एक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा बी एक्स वेक्टर आई प्लस बी वाई वेक्टर जे, ठीक है। तो ए एक्स हमें दिया हुआ है, ए एक्स कितना है 4, यक्स के ए के यक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ए वाई हमें दिया गया है 6, बी के नहीं दिया गया है, तो हमें क्या बोला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आएगा, दोनों का एडिशन क्या आएगा ए यक्स प्लस बी यक्स वेक्टर आई, ये दोनों ऐड होंगे ना, प्लस ए वाई प्लस बी वाई वेक्टर जे, दोनों को ऐड किया ना सीधे सीधे, ए यक्स प्लस बी यक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई वेक्टर जे। तो अब क्या बोला गया है ए प्लस बी का यक्स कंपोनेंट कितना है 10 और वाई कंपोनेंट कितना है 9, तो ये कितना दिया गया है 10 और ये कितना दिया गया है 9, ठीक है। तो ए यक्स प्लस बी यक्स इज इक्वल टू 10 और ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले यक्स का और वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे बी के, तो बी एक्स बी वाई फाइंड आउट करना है, तो ए एक्स कितना है, ए एक्स है 4, 4 प्लस बी एक्स बराबर 10, इसको इधर शिफ्ट करो तो बी एक्स विल बी 6 मीटर, और ए वाई, ए वाई कितना है 6 प्लस बी वाई पता करना है इज इक्वल टू 9, प्लस इधर जाके माइनस, तो बी वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, तो बी वाई इज 3 बी एक्स इज 6, ओके। अब लेंथ पता करनी है बी की, मतलब बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 प्लस 9 ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 45 मीटर। अब एंगल इट मेक विथ यक्स एक्सिस, तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ बी वाई बाय बी एक्स, फॉर्मूला होता है ना,
तो टैन इनवर्स ऑफ बी वाई, बी वाई कितना है, किधर गया बी वाई, बी वाई किधर है मेरे भाई, बी एक्स एंड बी वाई ये थ्री और बी एक्स कितना है सिक्स, तो वन बाई टू, तो टैन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, तो अल्फा आया टैन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, परफेक्ट। ठीक है, पॉज करके लिख लो। तो यहाँ पर इस छोटे से लेक्चर को करते हैं ख़त्म, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।